हेलो लर्नर्स, यह मैथमेटिक्स वन का वीडियो है। इसमें मैं मैथ वन के वीक वन के थ्योरी पार्ट को कवर करूंगा। इसके लिए मैं जो कॉलेज की तरफ से बुक प्रोवाइड की गई है इसे ही रेफर करूंगा। इसमें वीक वन के सारे कंटेंट कवर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर पॉइंट को अच्छे से हिंदी भाषा में क्लियर करूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद मैं वीक वन के एक्टिविटी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो अच्छे से समझने के लिए आप एक्टिविटी वाला वीडियो भी देखें। उसमें मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं ये मेरे सब्जेक्ट्स नहीं है, फिर भी मैं इनके वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड और रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इनके वीडियोस बनाऊं जिससे लोगों को हेल्प हो। तो आप भी जानते हैं कि मैं सब कुछ तो नहीं बना सकता, सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस नहीं बना सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जहां पर लोगों की ज़्यादा डिमांड है, जहां पर लोग जिस वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और जहां से मुझे सब्सक्राइबर जिस वीडियो से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं उस वीडियो पे ज़्यादा फोकस करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स की सीरीज कंटिन्यू रहे, तो आप ये वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, जिससे कि और रिक्वेस्ट करें उनसे कि वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मुझे जहाँ से ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूज़ एंड लाइक्स आएंगे, जहाँ पर लोगों के अच्छे कमेंट्स ज़्यादा आएंगे, जो लोग पसंद करेंगे जिस वीडियोस को, मैं उसे कंटिन्यू करूँगा, ज़्यादा उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे कम फोकस रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, अपने विचार कमेंट में रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई समय गंवाए चलिए हम वीक वन का कंटेंट शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत ही बेसिक से सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया है मैथ का। इवन प्लस माइनस जोड़ घटाना जो होता है वहां से शुरू किया है। तो सबसे पहले सर ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो है नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर एंड इंटीगर्स। तो नेचुरल नंबर बहुत सारे बुक्स में वन से शुरू होते हैं, जो काउंटिंग है। 1 मिनट। तो कई सारे बुक्स में जो नेचुरल नंबर है वो वन से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ से। बट इस बुक में, हमारे कोर्स में जो नेचुरल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, कहीं इसे होल नंबर या कंप्लीट नंबर भी ऐसे कर बोलते हैं, बट हमारे कोर्स में, ये जो कोर्स है यहाँ पे, जब भी नेचुरल नंबर की बात आएगी तो वो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4, डैश डैश अप टू इन्फिनिटी। ओके, और इसे डिनोट किया जाएगा एन से, या एन नॉट भी लिखा रहेगा। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखे हैं सर ने। देखिए, नेचुरल नंबर जो होगा ये एन से डिनोट होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूड्स 0। ओके, इंटीगर्स, इंटीगर्स क्या होते हैं, इंटीगर्स जो होते हैं वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 0 वाले नंबर होते हैं, और इसमें जो होता है वो पूरे पूरे नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, या -1, -2, -3, -4 होते हैं। इसमें पॉइंट वाले नंबर नहीं होते हैं, इसमें -1.1 नहीं आएगा, -1, -2, ये इंटीगर्स कहे जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन आपको पता है, दो चीजों को जोड़ना, सब्सट्रैक्शन पता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, बार बार किसी चीज को जोड़ना, उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 3 क्रॉस 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 को 4 बार हम जोड़ रहे हैं, 3 + 3 + 3 + 3, ये देखिए, ये इसी को 3 क्रॉस 4 कहा जाए। और डिवीजन जो होता है वो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन होता है, बार बार उस चीज को घटाना। जैसे 18 / 3 = 6, आपको पता होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम 3 को 6 बार जो है, बार बार जब घटाएंगे तो ये जा करके 18 जो है वो 0 हो जाएगा। 18 को 0 करने के लिए हम 3 - 3 - 3 - 3 6 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। मॉड्यूलो क्या होता है,
मॉड्यूलो ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर गिव्स द रिमाइंडर व्हेन वन नंबर इज डिवाइड बाय अनदर, इट इज डिनोटेड एज मॉड। इसका मतलब ये हुआ इसे 10 मॉड 3 है तो इसका रिमाइंडर बताएगा कि हमें कितना शेष बच रहा है, 10 में 3 का भाग देने पर जो शेष बच रहा है वो होगा आंसर 10 मॉड 3। तो मॉड का मतलब होता है शेष, रिमाइंडर भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो मॉड्यूलो ऑपरेटर से बोलते हैं, मॉड से लिखते हैं। तो जहां भी लिखा रहेगा कोई भी ए मॉड भी, इसका मतलब हुआ कि हमें ए में बी से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बच रहा है। हेयर वन इज द रिमाइंडर वी गेट व्हेन वी डिवाइड 10 बाय 3, 10 मॉड 3 इज इक्वल टू 1। ओके, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर होता है कि ए इज ए फैक्टर ऑफ बी इफ बी मॉड ए इज इक्वल टू 0। फैक्टर वो नंबर होता है जिससे जिसका वो फैक्टर होता है उसमें भाग देने पर रिमाइंडर 0 आए। जैसे ए अगर फैक्टर है बी का तो बी मॉड ए जो होगा वो 0 होगा। बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए, मतलब ए में कुछ समथिंग के से गुणा करने पर हमें बी मिलेगा, तो हम कहेंगे बी इज ए मल्टीपल ऑफ ए। 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं आइए देखें। रैशनल नंबर होता है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, और p और q क्या होने चाहिए, वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स कहाँ से कहाँ होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, और इसमें जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री या 1, 2, 3 ऐसे वाले नंबर होते हैं। इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, वो होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को q से डिनोट किया जाता है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर मे नॉट बी यूनिक, कोई एक यूनिक तरीका नहीं। जैसे 1/2 को 2/4 भी लिख सकते हैं, 10/20 भी लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर को, एक नंबर को कई तरीके से हम लिखा जा सकता है। द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू इज व्हेन p q हैव नो फैक्टर्स इन कॉमन। रिड्यूस्ड फॉर्म में करना आपने सीखा होगा, आप जानते हैं कि हम रिड्यूस्ड फॉर्म किसे कहते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म तब कहेंगे जब p और q में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो सिवा 1 के, एक्सेप्ट 1। ओके, तो उसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म में कहते हैं। जैसे रिड्यूस्ड फॉर्म में लाने के लिए अगर हमारे पास 10 डिवाइडेड 12 है तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे, जैसे 2 से करेंगे 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, तो ये 5/6। अब इसमें हम किसी तरीके से और इसको सॉर्ट नहीं कर सकते, तो ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। रैशनल नंबर एक्सटेंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से थे? 0 से लेके 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक थे। और रैशनल नंबर जो होता है वो इसको एक्सटेंड करता है, मतलब वो माइनस साइड में भी जाता है और एक्सटेंड करता है, मतलब वो और इसके बीच के नंबर भी लाएगा। जैसे 0 और 1 के बीच के 1/2 भी होगा, 1 और 2 के बीच में 5/3/2 भी होगा, 1 और 2 के बीच में, लाइक दैट। तो रैशनल नंबर एक्सटेंड नेचुरल नंबर्स। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD, ये आपको पता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? जैसे कोई भी दो नंबर है 9 और 12, तो उन दोनों को डिवाइड कर सके ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, तो GCD कैसे निकालते हैं, ये प्रोसीजर आपने मैथ में पढ़ा होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। 5वीं की मैथ की ये चीजें हैं, तो मैं वहां पर ये पॉइंट कवर नहीं कर रहा हूं, मैं मान के चलता हूं ये आपको आ रहा होगा GCD कैलकुलेट करना। अब यहां देखिए 0 और q है तो इसका GCD q होगा। हेयर 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी इंटीजर्स, तो q से 0 में भाग जा सकता है, इसलिए इसका जो GCD है वो q है। और 1 और q में GCD 1 होगा, क्योंकि q में 1 से भाग चला जाएगा लेकिन 1 में q से नहीं जाएगा। 1 हैज नो फैक्टर्स अदर देन इटसेल्फ। ठीक है, अब आता है रियल नंबर्स।
इरेशनल नंबर्स। अच्छा जी, तो रियल नंबर के पहले आप इरेशनल नंबर समझिए कि ये क्या होता है। रेशनल नंबर हमने समझ लिया, अब इरेशनल नंबर क्या होता है। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। सेम उसका उल्टा है जो रेशनल नंबर्स का था, मतलब हम जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकें, जहां पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों। ऐसे नंबर क्या है, ऐसे नंबर देखिए रूट टू, रूट थ्री। रूट टू को हम रूट टू बाई वन तो लिख सकते हैं, लेकिन रूट टू हमारा इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स का मतलब उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखें और पी और क्यू इंटीजर्स हों। रूट थ्री को भी हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते, पाई। ये सब जो है एग्जाम्पल्स ऑफ इरेशनल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, ऑल द रेशनल नंबर्स इंक्लूडिंग द इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों को हम अगर मिला दें तो हमारा बन जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर एक्सटेंड रेशनल नंबर्स, तो रियल नंबर जो हो गया वो सारे रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स का जो है पूरा सेट हो गया। रियल नंबर जो है वो सब कुछ उसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आता है सेट। सेट थ्योरी भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा, फिर भी हम चलो एक बार इसे देख लेते हैं। डेफिनेशन कह रहा है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। सेट का जो डेफिनेशन है वो है, सेट जो होता है वो एक कलेक्शन होता है जो जिसमें कि आइटम्स जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे फाइनाइट सेट्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे, वेल डिफाइंड है, क्या होने चाहिए। द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन ईयर, जनवरी से लेके दिसंबर तक। द सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक, मंडे से लेके संडे तक, वेल डिफाइंड है। और फाइनाइट मतलब फिक्स है। इनफाइनाइट सेट, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8, अब कहाँ तक जाएगा कोई लिमिट नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि आइटम्स इन ए सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स। सेट में जो आइटम्स हैं इसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ए सेट, सेट में कोई ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 0, 2, 4 एंड 2, 0, 4, ये एक ही बात है अगर हम सिर्फ इतना लें तो 0, 2, 4 एंड 2, 0, 4 एक ही बात है। डुप्लीकेट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर, अगर कोई डुप्लीकेट हो तो इसका मतलब नहीं कि वो बड़ा सेट हो गया। जैसे 2, 0, 2, 4 है तो ये दोनों बराबर ही हैं, डुप्लीकेट्स का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है, द कार्डिनेलिटी ऑफ ए सेट एस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। अब जैसे कार्डिनेलिटी बोला जाए इसे कितनी है, तो इसकी कार्डिनेलिटी 3 होगी। इसको 4 मत बताइएगा क्योंकि इसमें 2 डबल आ गया है, तो इसको हम 2 बार नहीं काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। तो कार्डिनेलिटी ऑफ ए सेट जो होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, ओके। अब आता है सबसेट। सबसेट्स क्या होते हैं, ए सेट एक्स इज ए सबसेट ऑफ अनदर सेट वाई If every element in X is also an element in Y, okay, it is denoted by X subset Y. इसका मतलब ये हुआ कि X में जो भी element है वो Y में भी है। तो X जो होगा या तो Y से छोटा होगा या Y के बराबर हो सकता है, तो हम X subset Y कहेंगे। जैसे X में है ये 1, 2, 5, 7, 9 and 300, वाई में है 0, 1, 2, 5, 7, 9, 40, 170, 300। तो यहाँ पर एक्स जो है सबसेट है वाई का, क्योंकि एक्स के सारे एलिमेंट वाई में होने चाहिए सबसेट के लिए। यहाँ पर एक्स में ये है एंड वाई में ये है, यहाँ भी एक्स वाई का सबसेट है क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। तो सेम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स वाले वाई में होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 0 से इन्फिनिटी तक वो सबसेट होता है इंटीगर्स का, और इंटीगर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक होता है। जो इंटीगर्स होता है वो सबसेट होता है रैशनल नंबर का, क्योंकि रैशनल नंबर में इंटीगर्स भी आते हैं और दूसरे नंबर भी आते हैं जो -1 और -2 के बीच में है, इस तरह वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर वो भी आते हैं।
और जो इंटीगर्स होता है, जो रैशनल नंबर यानी क्यू होता है, जो रैशनल नंबर है वो होता है सबसेट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज देखिए, ए सेट एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एनदर सेट वाई। प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, जो एक्स तो सबसेट होना चाहिए वाई का, लेकिन इक्वल टू नहीं होना चाहिए। इट इज ए डिनोटेड बाई एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई। इसमें वो इक्वल वाला जो एक ये सीधी लाइन है ये हट जाती है, ये सिर्फ सबसेट की लाइन आ जाती है, यानी एक्स जो है वाई का प्रॉपर सबसेट है, बराबर नहीं है, उससे छोटा ही होगा। जैसे एक्स में देखिए इतने एलिमेंट हैं, वाई में इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर एक्स जो वाई का प्रॉपर सबसेट है। अब यहाँ पर जो सेम एलिमेंट है लेकिन यहाँ पर एक्स बराबर वाई है, इसका मतलब कि एक्स जो है वाई का प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब प्रॉपर सबसेट की भाषा में देख समझिए कि नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीगर्स का प्रॉपर सबसेट है, और इंटीगर्स जो है वो है रैशनल, इंटीगर्स जो है रैशनल नंबर का प्रॉपर सबसेट है, और रैशनल नंबर रियल नंबर का प्रॉपर सबसेट है। तो यहाँ पर देखिए एक ये सर्किल के थ्रू समझाया है कि सबसे छोटा हो गया नेचुरल नंबर जिसमें जीरो से लेके इन्फिनिटी तक आते हैं, फिर उससे बड़ा हो गया इंटीगर्स जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आते हैं, फिर उसमें हो गया उससे बड़ा हो गया रैशनल नंबर जिसमें कि फ्रैक्शन वाले भी आते हैं, और फिर रियल नंबर जिसमें इरेशनल नंबर भी आते हैं। ओके, अब आते हैं समझते हैं आगे सेट कम्प्रीहेंशन। सेट कम्प्रीहेंशन क्या होता है, सेट कम्प्रीहेंशन ये होता है जैसे सेट को हम कैसे लिखते हैं, वो कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और उसके सारे एलिमेंट को हम लिखते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके सारे एलिमेंट को लिखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम उसको एक स्टेटमेंट लिख करके एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसी को सेट कम्प्रीहेंशन कहते हैं। सेट कम्प्रीहेंशन इज ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सबसेट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेट्स लाइक नेचुरल नंबर और इंटीगर्स रियल नंबर एटसेट्रा बाई अप्लाइंग सम फिल्टर्स ऑन एवरी एलिमेंट इन द एग्जिस्टिंग सेट। इट इज बिल्ड विद थ्री मेन कंपोनेंट्स, दे आर जनरेटर, फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर। तो देखिए बात वही कहा है लेकिन थोड़ा घुमा के बताया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कह रहा है कि सबसेट होगा या तो नेचुरल नंबर या इंटीगर या रियल नंबर का। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर इंटीगर और रियल नंबर इंफिनिटी तक होते हैं, तो जो चीज भी आएगा वो उसी का सबसेट ही होगा। ओके, तो ये बात हो गई। दूसरा चीज हो गया कि इसमें जो हम तीन चीजें लगाएंगे, जनरेटर, फिल्टर और ट्रांसफार्मर। मैंने कहा था कि स्टेटमेंट लिख के एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ चीजें होती हैं, वो कैसे होती हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वही आपको समझना है। इसमें तीन चीजें हैं, जनरेटर, फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर आपको ये बताएगा कि ये जो नंबर है वो किसका सबसेट है, रियल नंबर का है या इंटीगर्स का है या नेचुरल नंबर का। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीगर्स, तो यहाँ पर एक्स जो है इंटीगर्स का, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी रेंज होगी। फिर होता है फिल्टर, एक्स मॉड टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये इसको बोलते हैं फिल्टर, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो होगा, लेकिन सारे नंबर नहीं होंगे, उसमें एक्स मॉड टू इज इक्वल टू जो जीरो है वो वाले नंबर होंगे, बस ये फिल्टर का काम करेगा। ओके, उसके बाद होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ये कहेगा कि ठीक है एक्स तो हमने बता दिया, लेकिन हमें एक्स नहीं लेना है, हमें एक्स स्क्वायर लेना है, तो हमारे जो सेट में नंबर आएंगे वो एक्स स्क्वायर आएंगे, ना कि एक्स आएगा। तो यहाँ पर तीन चीजें होती हैं, जनरेटर, फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, घबराएं नहीं। ओके, इसके बाद जो टॉपिक है वो है रिलेशंस का। रिलेशंस क्या होता है, एक का दूसरे के साथ रिलेशन, संबंध बनाना, उसी को हम कहते हैं रिलेशन। आइए समझते हैं इसे मैथ की भाषा में। ये होता है कार्टेशियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू वाई। The Cartesian product is denoted by x, capital X cross y. इस तरह से denote करते हैं Cartesian product को, और इसका मतलब ये होता है कि x के सारे element और y के सारे element का हम एक एक set बनाएं। जैसे देखिए
ए इज इक्वल टू ए बी है, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3 है, तो ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ए का एक एलिमेंट ए उठा लो और ए के साथ बी के सारे एलिमेंट ले आओ, यानी a1, a2, a3 आ गया। फिर बी का ए का दूसरा एलिमेंट बी उठाओ, फिर इसके सारे एलिमेंट उसके साथ ले आओ, यानी b1, b2, b3। तो इस तरह का ये जो प्रोडक्ट हुआ इसी को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें एक सेट का दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ हम एक कनेक्शन बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन बिटवीन टू सेट एक्स एंड वाई इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेनिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। इन अदर वर्ड्स ए रिलेशन आर इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो बाइनरी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सारे एलिमेंट आते हैं, लेकिन बाइनरी रिलेशन में जरूरी नहीं कि सारे एलिमेंट आए। जैसे देखिए ए बी है और 1, 2, 3 है, यहाँ पर आर वन जो हो गया उसमें ए वन बी टू और बी थ्री ले लिया, कुछ एलिमेंट लिए, सबसेट लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो इसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। यहाँ पर आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर जो भी हैं वो सब जो है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, बाइनरी रिलेशन, ठीक है। देखिए ऑर्डर ऑफ वन एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट इन ए रिलेशन, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है एक रिलेशन में। जैसे ए कामा वन जो है वो 1, a के बराबर नहीं है, ए कामा वन जो होगा वो ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी का, और 1, a जो है वो बी क्रॉस ए है। इस बात को समझिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कितने तरह का रिलेशन होता है, उसके गुण कितने हैं, आइए देखते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये क्या होता है, आर बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट एस, देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, देखिए लगा हुआ है इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स, जो कि उसका सबसेट है x, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, R बी ए बाइनरी रिलेशन ऑन सेट S, सेट S है हमारा, उसका जब रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा जब उसका अगर एलिमेंट x है S का, उसके जो x, x है, यानी कि उस सेट का उस सेट के साथ जो एक एलिमेंट बन रहा है, एक सेट बन रहा है, ये उस रिलेशन में हो। जैसे आइए प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे s हमारा है सेट है 1, 2, 3, 4, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जिसमें इसके सारे एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4 का खुद के साथ एक रिलेशन होगा, जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इससे एक्स्ट्रा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चार के आप खुद के साथ होने चाहिए। इससे 1-1 है, 2-2 है, 4-4 है, लेकिन इसमें 3-3 नहीं है, तो दो एक्स्ट्रा है उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3-3 होना चाहिए, तो ये नहीं है। R3 में देखिए 1-1 है, 2-2 है, 3-3 है, 4-4 है, 2-4, 4-1 भी है, तो ये एक्स्ट्रा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो चार एलिमेंट है उसका जो खुद के साथ सेट है ये है, तो इसका मतलब ये है रिफ्लेक्शन रिलेशन, R1 एंड R3 आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेकिन R2 नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि अगर उसमें एक्स वाई है तो वाई एक्स भी होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 सेट है हमारा, तो हम इसमें कोई इसका सबसेट बनाएंगे जब रिलेशन का, तो अगर एक एलिमेंट 1 के साथ 2 का रिलेशन है तो 2 के साथ 1 का भी होना चाहिए। देखिए जैसे ये है 1, 2, 1, 2 है तो 2, 1 भी है, 3, 4 है तो 4, 3 भी है, और 2, 2 तो ये सेम एलिमेंट का है, उसके साथ रिलेशन है, तो ये होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं ये 1, 2 है तो देखिए 2, 1 भी है, 2, 3 है तो 3, 2 भी है, 4, 3 है तो 3, 4 भी है, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है ये। और 2, 1 है तो 1, 2 है, 3, 4 है तो 4, 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें कह रहा है R1, R2 आर ए सिमेट्रिक रिलेशन, बट R3 नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अगला देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन नाम से क्लियर है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिट में, लाइक दैट
ये देखिए इसमें क्या कहता है कि अगर x के साथ y का रिलेशन है और y के साथ z का रिलेशन है तो x और z का रिलेशन होना ही चाहिए। देखिए अगर y के साथ z का नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स वाई खाली है, लेकिन वाई जेड अगर है तब एक्स जेड होना चाहिए। चीज को समझिए, जैसे ये देखिए ये 1 2 है और 2 3 है, यानी एक्स वाई है और वाई जेड है, तो 1 के साथ 3 का होना ही चाहिए। अब यह है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 1 4 है केवल, लेकिन 4 1 तो नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब कि अगर एक्स वाई है और वाई जेड है तो एक्स जेड होना ही चाहिए, अगर वाई जेड नहीं है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जेड ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए ये 1 3 है और 1 4 है, ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा, क्योंकि 3 1 भी नहीं है, 4 1 भी नहीं है, 4 2 भी नहीं है, 3 2 भी नहीं है, तो उससे फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2 4 है, ठीक है, 4 के साथ कुछ है, देखिए 4 1 है, तो 4 के साथ 1 है, तो 2 के साथ 4 है, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी है, ठीक है। 1 2 है तो 2 के साथ 4 है, तो 1 4 है, देखिए 1 4 भी है, ओके, अच्छा ये सब हो गया। एंड 1 1 है, 1 1 है, 1 1 तो खुद से ही हो गया। अब देखिए 4 1 है और 1 1 है, तो 4 1 भी होना चाहिए, तो है 4 1। तो इस तरीके से ये भी हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखिए 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी है, ठीक है, 2 3 है, तो 3 2 नहीं है। तो इसमें क्या करें कि R1, R2, R3 एंड R4 आर ट्रांजिटिव रिलेशन, बट R5 ट्रांजिटिव नहीं है। R5 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए R5 नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 है और 2 3 है, ये 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन 1 2 है और 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है ना, तो इसलिए ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। ये सारों चारों जो है वो ट्रांजिटिव है, इसमें 1 2 है और 2 1 है, तो 1 1 तो है वो ठीक है, लेकिन 1 2 है, 2 3 भी है, तो 1 3 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगला आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या है, अगर हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे ये वाला हो गया, इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 ये रिफ्लेक्सिव हो गए, फिर सिमेट्रिक में आपको बताया जिसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, वो चीज़ भी इसमें है, और ट्रांजिटिव का भी आप चेक कर सकते हैं, तो तीनों होगा, तो ये हो गया इक्विवेलेंस। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके एग्जांपल हैं, हम भी जब करेंगे एक्टिविटी वाले तो और क्लियर होगा। अब आता है अगला टॉपिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, देखिए ए फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन सेट एक्स इज मैप्ड या पेयर्ड विद एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इन सेट वाई। बड़ी दुविधा वाली बात है भाई, फंक्शन जो होता है वो ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध है जिसमें एक्स का एक एलिमेंट के साथ वाई का सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। मतलब ये समझिए कि फंक्शन जो है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, फंक्शन जो है उसको सादी समझिए। इसी रिलेशन में क्या है कि एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन में रह सकता है। मतलब मैं इसको आप दूसरे वे मत समझिए, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, जिससे सपोज दैट एक्स का कभी रिलेशन वाई के साथ रहा, फिर उसका ब्रेकअप हो गया, तो फिर वाई टू के साथ हो गया, लाइक दैट। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं होगा, फंक्शन में एक्स का एक एलिमेंट वाई के एक एलिमेंट से ही मैप होगा, यानी फंक्शन हो गई सादी, समझ गए। ओके, क्या कह रहा है कि इन ए फंक्शन देयर शुड नॉट बी टू पेयर्स विद द सेम फर्स्ट एलिमेंट। हाँ, दो पेयर जो है एक ही एलिमेंट के साथ नहीं रहेंगे, वाई वन और वाई टू अगर है वाई के एलिमेंट और यहाँ पर एक्स वन का एक एलिमेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक्स वन के साथ वाई वन का भी रिलेशन हो और एक्स वन के साथ वाई टू का भी रिलेशन हो, ऐसा नहीं चलेगा, एक पेयर का एक ही रिलेशन चलेगा, ठीक है। इन ए फंक्शन ए पर्टिकुलर इनपुट इज गिवेन टू गेट ए पर्टिकुलर आउटपुट। मतलब एक फंक्शन में अगर हमको एक इनपुट देते हैं तो उसका एक ही आउटपुट आना चाहिए, दो आउटपुट नहीं आना चाहिए। सपोज दैट x1 y1 आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, करिए हस्बैंड वाइफ है, तो कोई इनपुट दिया गया, कोई काम दिया गया, तो उसका एक आंसर आया, कोई क्वेश्चन किया गया तो उसका एक ही आंसर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी कुछ पूछा जा रहा है तो कभी एक आंसर आ रहा है वाइफ वाला, फिर दूसरी बार हस्बैंड वाला कोई अलग आंसर आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो क्वेश्चन एक बार पूछा जाएगा उसका एक ही आंसर आएगा, दोनों मिल के आपस में बात करके एक ही आंसर देना है। तो मतलब आपके एग्जांपल को बताया, कहने का मतलब कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, ओके।
नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाँ ये इसे ऐसे डिनोट करते हैं फंक्शन को, ये फंक्शन का साइन है सच दैट एक्स, फिर ये तीर बना होगा और ये वाई लिखा होगा, ये डिनोट्स करता है कि एफ जो हमारा फंक्शन है वो सेट एक्स से सेट वाई की तरफ है, मतलब एक्स हमारा एक फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है जो एक्स से वाई में फंक्शन है, वेयर एक्स इज द डोमेन एंड वाई इज द को डोमेन, एक्स को डोमेन बोलेंगे और वाई को डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इज ए सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यू, सेट एक्स जो होगा वो हमारा डोमेन होगा, को डोमेन जो होगा सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ वाई। रेंज क्या होगा, देखिए को डोमेन और रेंज को आप अच्छे समझिए वरना कंफ्यूजन आपके बना रहेगा। रेंज क्या होगा, रेंज बोलेंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू वाई, इस तरीके से जो फिल्टर है हमारा कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सम एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। तो रेंज क्या हो गया इस समझिए, बड़ा ही आपको कंफ्यूज कर देगा नहीं समझेंगे तो। रेंज जो होगा वो को डोमेन का एक पार्ट होगा, को डोमेन, को डोमेन बड़ी चीज हो गई और रेंज उससे छोटा हो गया। तो को डोमेन क्या होगा, जैसे हमने कहा कि हमारा एक्स जो बिलोंग्स करेगा वो नेचुरल नंबर से, वाई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो हमारा डोमेन क्या हो गया नेचुरल नंबर, को डोमेन क्या हो गया नेचुरल नंबर, लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा ये है कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम नेचुरल नंबर ना लेकर के देखिए हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, एक्स हमारा बिलोंग करेगा सपोज दैट इंटीगर से, तो इंटीगर हमारा कहाँ से कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। वाई हमारा बिलोंग्स करेगा, वाई भी हमारा इंटीगर है, तो हमारा डोमेन भी हो गया इंटीगर, वाई भी हो गया इंटीगर। ये आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया हूँ, दोनों हो गए इंटीगर्स, डोमेन और कोडोमेन दोनों, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई की जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगी, एक्स की तो माइनस से प्लस होगी इन्फिनिटी तक, लेकिन वाई की जो रेंज होगी वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन इसका जो को डोमेन है वो तो हमने डिफाइन किया है कि वो है इंटीगर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन रेंज हो गया उससे छोटा, रेंज होगा वो एक्चुअल वैल्यू जो ये कंटेन करेगा, बात समझ में आ गई, रेंज जो होगा वो एक्चुअल वैल्यू होगा। देखिए एक्स है ये, वाई है ये, एक्स एंड वाई ये फंक्शन है, नई फंक्शन समझाए, फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट जो है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ पेयर है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर अब शादी वाला एग्जाम्पल थोड़ा फिट नहीं बैठेगा, इस चीज़ को समझिए, वो थोड़ा एग्जांपल अब यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए x का एक एलिमेंट b से के साथ कनेक्शन में है, ये एलिमेंट जो है दो c के साथ कनेक्शन में, 3 वाला a के साथ है, 4 वाला भी c के साथ कनेक्शन है, यानी कि दो x का एक y के साथ कनेक्शन एक्सेप्टेबल है, लेकिन दो x का x के साथ कनेक्शन एक्सेप्टेबल, लेकिन एक x का दो y के साथ नहीं कनेक्शन एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर देखिए एक एक्स का तीन का ए भी आ रहा है, तीन का डी भी आ रहा है, ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझिए, इसका मतलब ये हो गया कि दो इनपुट दें हम तो एक आउटपुट आए ये चलेगा फंक्शन, लेकिन एक इनपुट देंगे दो आउटपुट आएगा ये फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। एक इसको इनपुट समझिए, इसको आउटपुट समझिए, आउटपुट तो दो इनपुट पे एक आउटपुट चलेगा, लेकिन एक इनपुट में दो आउटपुट है वो नहीं चलेगा, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन है। अब आगे आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो पहला है टाइप्स ऑफ फंक्शन में इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इंजेक्शन, इंजेक्टिव, इसका मतलब ये हो गया कि देखिए पहले इसमें पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर आपको समझाता हूं। लिखा है कि इफ ईच एलिमेंट इन सेट एक्स इज मैप टू ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट वाई देन द फंक्शन इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन फंक्शन, दोनों नाम है, आप इन दोनों नाम याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, वन टू वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। कह रहा है कि ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो एक्स में बहुत कुछ एलिमेंट है, ठीक है, एंड वाई में एलिमेंट है, तो एक्स के सारे एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जो है वाई के एक अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैप होंगे, ठीक है। इसमें x के सारे एलिमेंट कवर होना जरूरी है, x में कोई बचना नहीं चाहिए, y में बचा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसे चलेगा,
लेकिन x के सारे एलिमेंट y के एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ मैप होंगे, तो इसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। समझा के बात, x के सारे एलिमेंट कवर होंगे, इसमें कुछ भी लेफ्ट नहीं होगा, और y वाले में एलिमेंट बचे रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंडीशन ये है कि x का जो एलिमेंट होगा y के अलग अलग एलिमेंट के साथ, अलग अलग एलिमेंट के साथ मैप होगा। दूसरा होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये इसका उल्टा होता है। इफ देखिए क्या लिखा है, इफ द रेंज इज इक्वल टू द को डोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। अब ये बात थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है, बट बात वही है। कह रहा है कि रेंज और को डोमेन एक ही हो जाए, इसका क्या मतलब हो गया, रेंज और को डोमेन एक ही हो जाए, इसका मतलब कि वाई में कोई एलिमेंट छूटा नहीं रहेगा, वाई के सारे एलिमेंट कवर होंगे, वाई के सारे एलिमेंट कवर होने चाहिए, कोई छूटा नहीं रहेगा, मतलब कि सारा कोडोमेन को हमने ले लिया रेंज, मतलब एक्स के किसी न किसी इनपुट के साथ वाई का सारे एलिमेंट मैप है। करा इफ द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन देन फंक्शन कर सकते, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें ये कंडीशन है कि वाई का जो है वो कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए, वाई के सारे एलिमेंट हमें एक्स से मिल रहे हों। जैसे हम कहें कि वाई इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, और एक्स हमारा हो गया पार्ट ऑफ इंटीगर्स, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे हमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक मिलेगा, यानी नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि वाई हमारा सारा नंबर मैप हो गया एक्स के साथ, सारा नंबर। लेकिन लेकिन क्वेश्चन देखिए देखिए देखिए, सारा नंबर मैप नहीं हुआ भाई, अगर हमारा नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं y को, तो y में हमारा नेचुरल नंबर 5 आता है। अब बताइए 5 का स्क्वायर कहाँ से मिलेगा अगर ये इंटीगर है, तो ये इंटीगर है तो ये नहीं मिलेगा। तो हम इसको एक काम करते हैं कि हम इसको रियल नंबर कर देते हैं, तो रियल नंबर हमारा रूट 5 भी आ गया, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 मिलेगा, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा कहने का मतलब ये हो गया हमारा सर्जेक्टिव फंक्शन ऑन टू ऑन हो गया, मतलब कि हमें वाई के सारे एलिमेंट जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक वाले वो एक्स स्क्वायर से मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से। अब आप 6 उठाएंगे तो यहाँ रूट 6 भी में होगा, क्योंकि रियल नंबर मैंने ले लिया इसकी ना, रेंज को हमने रियल नंबर ले लिया, रियल नंबर में तो सारे नंबर आ गए, तो अब ये जो है सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अच्छा बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है कि इफ द फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी मिलेगी, तो आप क्वेश्चन वाला वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, कैसे हम डोमेन और रेंज निकालेंगे उसकी बात की जा रही है। तो आइए देखें, इफ द को डोमेन इज रियल नंबर देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन ही है, अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स है और को डोमेन कह रहा है रियल नंबर है, तो डोमेन बताइए इसका। रूट एक्स इज वेल डिफाइंड ओनली इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो द डोमेन ऑफ एफ इज जीरो से इन्फिनिटी तक होगा। ओके तो क्वेश्चन हम जब अपना क्वेश्चन और करेंगे एक्स्ट्रा तो पता चलेगा, यहाँ पर भी चलो समझ लेते हैं। सपोज एफ फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और फाइंड द रेंज ऑफ एफ एंड चेक वेदर द फंक्शन इज सर्जेक्टिव आर नॉट। करें कि वी नो दैट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज आर पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, देयरफॉर द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन जो होगा जीरो से इन्फिनिटी होगा। पूछ रहा है सर्जेक्टिव हुआ कि नहीं, तो नाउ द कोडोमेन इज आर एंड रेंज इज जीरो से इन्फिनिटी, हेयर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू द रेंज, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ओके वही बात हो गई जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए तो यहाँ पर वीक वन का जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा कवर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द एंड, एंड आप यहाँ तक बने रहें इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई मेरा मोटिव यही क्लियर है कि मैं सारे सब्जेक्ट के कुछ कुछ वीडियो शुरू से बना दूंगा, और जिस वीडियो पे मुझे ज़्यादा लाइक्स आएंगे, जिस वीडियो को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, जहाँ से मुझे सब्सक्राइबर ज़्यादा आएंगे, जहाँ पर लोगों के कमेंट अच्छे आएंगे ज़्यादा, तो मैं समझूंगा कि उस वीडियो की डिमांड ज़्यादा है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाना मेरी प्रायोरिटी में होगा। तो आप समझ गए आपको क्या करना है। Thank you. All the best.